मतलब था और इमरजेंसी के शिकार तो हम सब लोग थे. ये तो हम लोग के यंग एज की चीज है. पूरे देश में आंदोलन चला और उस समय जो इमरजेंसी लगाया गया इस प्रकार से देश भर में इतने और इस तरह से इमरजेंसी के नाम पर छीन लिया गया था ये सबको मालूम है. और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में फिर तो देश की जनता ने बता ही दिया था किस तरह से उनको पराजित किया और पहली बार जीत करके उनके विरोध में कांग्रेस के विरोध में और जेपी के विचार से ही सब पार्टियां एक सकह मर्ज की थी और जनता पार्टी जो बनी और उस समय जो जीत हुई तो सबको मालूम है. लेकिन अगर आज उन्होंने कहा है राहुल जी ने उनका विचार है अगर इन सब चीजों के बारे में वो सर कुछ फिल्म स्टार्स के घर चीजों के बारे में सोचना चाहिए बोलना चाहिए. कुछ फिल्म स्टार्स के घर पे रेड चल रहे हैं इनकम टैक्स और आईटी के. अब विपक्ष का कहना है कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी सरकार के साथ अगर उनका व्यूज नहीं मिलता है तो उनके ऊपर भी अब एजेंसी का रेड शुरू हो जा रहा है. इनकम टैक्स की बात ये तो इनकम टैक्स के लिए कानून बना हुआ है नियम बना हुआ है और उसके लिए अधिकार दिया हुआ है. इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना तो उचित नहीं. बिहार की जेलों में छापेमारी हुई है सभी इंस्पेक्टर बिल्कुल बिल्कुल और हर चीज को देखना है जेल के अंदर. ये जब भी कोई समीक्षा की बैठक होती है तो मैं तो पूछताछ करते रहता हूँ कि भाई कहाँ की क्या स्थिति सर सामने आज इन लोगों ने किया है तो सब चीज़ को देखना कि जेल का संचालन कैसा हो रहा है जेल के अंदर की क्या स्थिति है इसको कभी कभी देखना तो बहुत जरूरी होता है. और इस मामले में जो कुछ भी लोगों ने देखा है और उसके बाद जो उनका इसको लेकर के जो भी उनको जानकारी मिलेगी उस पर उपयुक्त कार्रवाई भी होगी. आपके पुराने मित्र उपेंद्र कुशवाहा फिर के आपके साथ आ रहे हैं क्या?